कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता जब वो विजयी हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक मनी मंत्र में। जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, अश्लेषा नामक नक्षत्र आज होगी। आज का राहु काल दोपहर 1:45 से 3:16 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक रहेगी। दिशाशूल दक्षिण दिशा, यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा। मित्रों, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना जन्म डिटेल और अपने क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, आज का राशि फल जान लेते हैं। मेष राशि, आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रहे हैं। आज कोई ऐसी खुशी की खबर मिलेगी जो आपके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू ले आएगी। आज आप पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे, समय मजे में बीतेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य और कल्याण, आप आसानी से इस समय की अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का जायजा अपनी मानसिक दृष्टि से ले सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख लें, जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दें, और बेहतरीन सेहत पाने के लिए जो कदम आप उठा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अपने सामने रखें। ताजा भोजन सहित स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की कोशिश करें। प्यार और संबंध, इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे, लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करो, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो और ये चीजें आपके रिश्ते को और गहरा करेंगी। करियर और धन, आज जहाँ तक पैसे की बात है तो आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। आपकी किस्मत चिट फंड या जुए के किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा या किसी भी परीक्षा में अगर वे बैठेंगे तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, पूजा स्थल में सफेद शंख की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करने से आर्थिक उन्नति होगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं ताकि हम आपके लिए उपाय बता पाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।